Good morning, students. Today we are going to learn chapter number 14 of our English reader book. So students, let's open page number 84. All of you have to open your book and take the pencil in your hand. Okay, and ignore the image. If it is not clear, you have to read from your book. आपको अपनी बुक से पढ़ना है ना, तो बुक सब लोग ओपन कर लीजिए एंड पेंसिल हैंड में लीजिए और उसको रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं. What is the name of the poem? Somebody's mother. Okay. Now we are going to start reading. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with the recent snow and the woman's feet were aged and slow. In this poem, we are talking about an old woman. हम यहाँ पर एक ओल्ड वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं. हु वॉज ओल्ड रैग्ड एंड ग्रे, जो बहुत ओल्ड है, बूढ़ी है, रैग्ड यानी जिसने टोन क्लोथ्स पहने हुए हैं, जिसने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, एंड ग्रे और जिसके हेयर्स जो हैं वो कैसे हैं, ग्रे हो चुके हैं. यहाँ एक ऐसी ओल्ड वुमेन की हम बात कर रहे हैं जो कैसी है, ओल्ड यानी कि बूढ़ी है, रैग्ड मीन्स उसने टियर्ड क्लोथ्स पहने हुए हैं और जिसके बाल ग्रे कलर के हो गए हैं और जो विंटर सीजन की चिल मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड से बेंट हो चुकी है, बेंट हो रही है मतलब झुक गई है. एंड इन दीज लाइंस उन स्ट्रीट्स की भी हम बात कर रहे हैं जो स्नो गिरने की वजह से वेट मीन्स गीली हो गई हैं और जिसमें वो ओल्ड वुमेन है जो एजेड है वो बहुत स्लोली चल पा रही है. नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट स्टैंजा. सी स्टूड एट द क्रॉसिंग्स एंड वेटेड लॉन्ग अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड द थ्रॉंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु पास्ड हर बाय नॉर हीडेड द ग्लैंस ऑफ हर एनेक्सियस आई. वो ओल्ड वुमेन क्रॉसिंग पर खड़ी है एंड वेटेड लॉन्ग और बहुत देर से इंतजार कर रही है कि Alone means क्या है यहाँ पे, अकेले खड़ी हुई है. अनकेयर्ड मतलब जो जिसकी किसी को परवाह नहीं है. Amid the throng means people के crowd के बीच में. वो किसी ऐसे human being का वेट कर रही थी जो उसे road cross करा सके, जिसके उस old woman की चिंता दूर हो सके. एनेक्सेस मीन्स क्या होता है, चिंता, जिससे क्योंकि वो ऐसे किसी इंसान का इंतज़ार कर रही थी जो उसको रोड क्रॉस करा सके, है ना, तो जिससे उसकी रोड क्रॉस करने की चिंता जो है वो दूर हो सके. नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट पैराग्राफ. डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड साउट ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ सीप हेलिंग द स्नो पाइल्ड विथ वाइट एंड डीप. स्ट्रीट में कुछ बच्चों के हंसने और साउट करने की आवाज़ आ रही थी जो स्कूल से छूटने की वजह से काफ़ी खुश थे. कौन खुश थे, बॉयज़, है ना, वो ऐसे आ रहे थे जैसे फ्लॉक ऑफ सीप वहाँ से आ रहा हो. पाइल्ड मीन्स क्या होता है, बंडल, जो स्नो का बंडल हो गया था उसको वेलकम कर रहे थे वो सारे बच्चे और सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे, है ना, घर जाने की जल्दी में थे. Past the woman, so old and grey, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, a fear to stir. In this line, poet is saying कि सारे बच्चे जो स्कूल से आ रहे थे वो बहुत जल्दी में थे और वो किसी ने भी उस ओल्ड वुमेन को हेल्पिंग हैंड भी ऑफर किसी भी बच्चे ने नहीं किया. ओल्ड वुमेन so timid, afraid to stir. Stir means क्या होता है, हिलना. वो बहुत meek means gentle थी, so timid बहुत छोटी सी उसकी आशा थी और afraid to stir और वो हिलने से भी बहुत ज़्यादा डर रही थी, है ना. Now let's read next para. Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. Lest means क्या है यहाँ पे, L-E-S-T, lest means यहाँ पे डरना. तो lest means वो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं कोई हॉर्स कार्ट कहीं उसको क्रश ना कर दे. स्लिपरी स्ट्रीट यानी जो स्नो की वजह से बहुत वेट हो गई थी, स्ट्रीट गीली हो गई थी, वहाँ पे वो स्लिप नहीं हो जाए क्राउड की वजह से, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर रही थी. एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप यानी लास्ट में एक बहुत अच्छा ट्रूप वहाँ से गुजरा था, बॉयज़ का ग्रुप
आ रहा था उसमें से एक गेयस्ट लेडी ऑफ द ग्रुप, एक गेयस्ट यानी बहुत खुश, है ना। लेडी मीन्स क्या है, यहाँ पे बॉय के लिए वर्ड यूज हो रहा है। उस ग्रुप में से एक बहुत गेयस्ट लेडी यानी बहुत अच्छा सा बॉय आता है उस ओल्ड वुमेन के पास। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन पेज नंबर 85। लेट्स रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ यू विश टू गो। Her aged hand on her strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. वो गेयस लेडी, वो अच्छा सा जो बॉय था, वो ओल्ड वुमेन के पास आके खड़ा हो जाता है उनके पास में, है ना। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स लो वॉइस में कुछ भी कहना। तो उस बॉय ने ओल्ड वुमेन से धीरे से कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप वहां जाना चाहती हो तो, है ना, अगर आप रोड क्रॉस करना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद बिल्कुल करूंगा। फिर उस ओल्ड वुमेन ने अपने एजेड हैंड उस बॉय के यंग आर्म पर बिना उसे चोट पहुंचाए रख दिए। इस तरह से उस ओल्ड वुमेन के ट्रैम्बलिंग फीट, ट्रैम्बलिंग मीन्स क्या होता है, कांपते हुए पैरों को उसने, उस छोटे से बॉय ने गाइड किया। और ये करते हुए उस बॉय को बहुत प्राउड हो रहा था कि वो कितना स्ट्रांग है, कि वो कितने एक ओल्ड वुमेन की हेल्प कर पा रहा है। नाउ देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। सी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो, फॉर ऑल सी इज एजेड एंड पुअर एंड स्लो, and I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and grey when her own dear boy is far away. Here poet says that boy is telling to his friend, कि वो अपने friend से बातें कर रहा है, उनको बता रहा है। वो boy अपने friends को ये बता रहा है कि वो old woman भी किसी की माँ है, वो बहुत बूढ़ी है और poor है। यहाँ वो बॉय कहता है कि उसे उम्मीद है कि जिस तरह से आज उसने उस ओल्ड वुमेन को रोड क्रॉस कराई है, उसी तरह से जब उसकी माँ उससे दूर हो जाएंगी, जब वो अपनी माँ के पास नहीं होगा और उसकी माँ भी एजेड हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, और जब उसको मदद की ज़रूरत होगी तो इसी तरह से कोई एक आके मेरी माँ की भी इसी तरह से हेल्प करेगा जैसे मैंने आज इस ओल्ड वुमेन की हेल्प की है। Now let's move on next stanza. And somebody's mother bowed low her head in her home that night, and prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. In these lines poet is saying कि वो old woman अपने घर पर उस रात सर झुकाते हुए प्रे कर रही है कि God उस noble boy के लिए kindful रहे, means उस boy पर अपनी कृपा बना के रखें। हु इज somebody's son, जो किसी का सन है, किसी की प्राइड है, एंड किसी का जॉय है, जो किसी माँ का बेटा है उसकी प्राइड है और जॉय यानी उसकी खुशी है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ दिस पोएम इज एक्सप्लेन बाय मी, दिस पोएम इज रिटन बाय मैरी डो ब्रायन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू रीड द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Stay safe, stay healthy, and keep learning.